हर हर महादेव दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई रोचक तथ्य के बारे में। उनमें से कुछ दिलचस्प और कुछ आकर्षक हैं, जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। इस गुफा में 10 से 12 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ गुफा दक्षिण कश्मीर के हिमालयवर्ती क्षेत्र में है? यह श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर की दूरी पर 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस तीर्थ स्थल पर पहलगाम और बालटाल मार्गों से पहुंचा जा सकता है। श्रीनगर से पहलगाम करीब 92 किलोमीटर और बालटाल करीब 93 किलोमीटर दूर है। पहलगाम या बालटाल पहुँचने के बाद आगे की यात्रा पैदल या घोड़े खच्चर की मदद से करनी होती है। अमरनाथ गुफा की लंबाई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। यह गुफा लगभग 150 फीट क्षेत्र में फैली हुई है और लगभग 11 मीटर ऊंची है। इस गुफा का महत्व प्राकृतिक शिवलिंग के निर्माण से नहीं, बल्कि यहां भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाई थी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान रहते हैं। इस गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग भी गिरा था। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में 45 शिवधाम, 7 विष्णुधाम, 22 शक्तिधाम, 700 नागधाम तथा असंख्य तीर्थ हैं, पर अमरनाथ धाम का सबसे अधिक महत्व है। पुराण के अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले अमरनाथ के दर्शन माने जाते हैं। जहाँ तक कि ब्रिंगेश संहिता, नीलमत पुराण, कलहणगिरास तरिंगरी आज भी इसका बराबर उल्लेख मिलता है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती रहती है, जिससे लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित हो जाता है। यह गुफा हिमालय पर्वत पर करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फीली पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। जहाँ तक उम्मीद है, आप लोगों को अमरनाथ गुफा का इतिहास तो कुछ हद तक पता ही होगा। खैर, अगर नहीं पता तो हम आपको कुछ संक्षेप में बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा की खोज बुट्टा मलिक नामक एक गरेड़िय ने किया था। वह एक दिन भेड़ चराते चराते बहुत दूर निकल गया था। एक जंगल में पहुंचकर उसकी एक साधु से भेंट हो गई। साधु ने बुट्टा मलिक को कोयले से भरा एक थैला दिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कोयले की जगह थैले में सोना पाया तो वह बहुत हैरान हो गया था। कोयला सोना बन गए थे। यह चमत्कार देखकर चरवाहा आश्चर्यचकित हो गया और साधु को खोजने के लिए पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया। साधु को खोजते खोजते उसको अमरनाथ गुफा दिखाई दी, परंतु साधु नहीं मिला। उस दिन से यह स्थान एक तीर्थ स्थान बन गया। शास्त्रों के अनुसार माने तो अमरनाथ गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाकर इसका रहस्य बताया था, परंतु अमरनाथ कथा सुनाने के लिए समस्या यह थी कि कोई अन्य इस कथा को न सुने। इसलिए भगवान शिव ने 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ गुफा में पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाई। पार्वती के साथ इस रहस्य को सुक यानी कबूतर ने भी सुन लिया था। यह सुक बाद में सुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। शायद ही आपको पता होगा कि कैसे भगवान शिव अमरनाथ गुफा तक पहुंचे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गुफा तक पहुंचने के लिए पहलगाम मार्ग लिया था। जब भगवान शिव अमृत कथा को सुनाने के लिए पार्वती को गुफा ले जा रहे थे तो उन्होंने पहले इस स्थान पर अपना वाहन यानी नंदी को इस जगह पर छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह को पहलगाम कहा जाता है। यह श्रीनगर से 96 किलोमीटर दूर है और पहाड़ियों की चोटियों से घिरा हुआ है। पहलगाम के बाद अगला गंतव्य चंदन बाड़ी का आता है। यह पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है। विश्वासों के अनुसार यहाँ भगवान शिव ने एक बहुत ही अनोखी चीज को किया था। इस जगह को चंद्रा मौली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने यहाँ अपने सिर से चंद्रमा को परित्याग किया था। चंद्रमा ने फिर यहाँ लौटने के लिए भगवान शिव का इंतजार किया था। इस प्रकार इस जगह का नाम चंदन बाड़ी पड़ा। चंदनबाड़ी से थोड़ा आगे पिस्सू टाप है। इस जगह का महत्व अमरनाथ के दर्शन से संबंधित है। इसके अनुसार अमरनाथ के दर्शन के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई थी। उस समय भगवान शिव की सहायता से देवों ने राक्षसों को हरा दिया था।
राक्षसों के मृत शरीर के साथ एक पहाड़ का गठन किया गया। तब से इस जगह को पिस्सू टाप के नाम से जाना जाता है। पिस्सू टाप के बाद अगला गंतव्य ससनाग है। भगवान शिव ने यहाँ अपनी गर्दन से सर्प को रखा था। यहाँ नीले पानी का एक झील है जो साबित करती है कि यह ससनाग का स्थान है। यह चंदनबाड़ी से 12 किलोमीटर दूर है। ससनाग के बाद अगला गंतव्य महागुण माउंटेन या महागुड़स पर्वत का आता है। यह जगह ससनाग से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। यह 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ छोड़ दिया था। इस जगह में कई झरने और सुंदर दृश्य है। महागुण माउंटेन के बाद अगला गंतव्य पंचतरणी का आता है। यह महागुण माउंटेन से 6 किलोमीटर दूर है। यह 12,500 फीट की ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने यहाँ 5 पंचभट्टों का त्याग किया था, यानी पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। यहाँ 5 नदियों का संगम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं जो भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। पंचतरणी के बाद अगला गंतव्य अमरनाथ गुफा का आता है। यह यात्रा का अंतिम गंतव्य है। अमरनाथ गुफा 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के लिए 3 किलोमीटर का मार्ग बर्फ से ढका हुआ होता है। बर्फ की नदी पार करने के बाद गुफा को अंततः देखा जा सकता है। गुफा लगभग 100 फीट लंबी और 150 फीट चौड़ी है। इस गुफा में प्राकृतिक बर्फ से बना हुआ शिवलिंग का निर्माण होता है। इसी में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व के रहस्य को बताया था। ये शायद ही आप लोग को पता होगा कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के साथ ही श्री गणेश, पार्वती और भैरव के भी हिमखंड निर्मित होते हैं। हर वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से रक्षाबंधन और सावन के पूरे माह यहाँ श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। किंवदंती के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं अमरनाथ गुफा में पधारते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अमरनाथ गुफा से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।